अजीत पवार खेमे की जो बैठक हो रही है वहां पर लगातार जो कार्यकर्ता है उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन विधायकों की अगर बात की जाए तो फिलहाल 5 ही विधायक यहां पर पहुंच सके। कुछ देर बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी इस बैठक में यहां पर पहुंचेंगे, ये जानकारी दी जा रही है, लेकिन कुछ लोग उनके समर्थक और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। अजीत भाई ये बताइए कि आप लोग शरद पवार साहब का भी फोटो लगा रहे हैं, अजीत पवार साहब का भी, और शरद पवार साहब ने आज वहाँ पर 1 बजे YB चौहान सेंटर में बैठक बुलाई है, आप लोग क्या चाहते क्या है कि किसके साथ है पार्टी? हर कार्यकर्ता का साहब के बारे में आज भी आदर है। अजीत दादा ने, प्रफुल्ल भाई ने, सबने कहा है कि साहब हमारे नेता है, वो हमारे श्रद्धा स्थान है, उनका जगह कोई ले नहीं सकता है। बट जो हमने फैसला लिया है पार्टी के हित में, मेजोरिटी लेवल पे फैसला लिया है, सब दादा के, प्रफुल्ल भाई के, तटकरे साहब के, भुजबल साहब, वलसे पाटिल साहब के फैसले से सहमत है। इसलिए बड़ी संख्या में हर जात पात के लोग, राष्ट्रवादी एक है, राष्ट्रवादी हमारे साथ में। आप देखेंगे तो यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग है, यहाँ दलित समाज के लोग है, यहाँ मराठा समाज, हर समाज के लोग ने दादा को समंत्रण दिया है। हमारी उनसे विनंती है कि पार्टी के हित के अंदर, ये फैसला अच्छा, और हम वो हित के अंदर वो फैसला सही है ये साबित करने के लिए हर शहर से, हर नुक्कड़ से जो पद अधिकारी है सब यहाँ उमट के आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, विधायक कितने होंगे यहाँ पर? तो अभी 5 ही पहुंचे, वहां पर लगातार संख्या बढ़ रही है। अच्छा ऐसा है, रुकिए ना, इतनी घाई क्या, कुछ इंतजार कीजिए, विधायकों की भी इस कार्यकर्ता की जैसी लाइन लग जाएंगी, आ रहे हैं। लेकिन एक दूसरा सवाल कि मुख्य तौर पर अभी कुछ कार्यकर्ता इस तरह से कह रहे थे कि चाचा भतीजे के बीच में जितेंद्र आवाड और जयंत पाटिल ने दरार पैदा करने की कोशिश की। बेशक सही बात है, और उसके गवाह हम खुद है। हमेशा कान भरने का, अपना रोने का काम करने का, और वो सब चीज़ों पे बात करके अपना बड़प्पन बताने का करके ये पार्टी के आज ये हाल हो गए। ले दादा की जो निष्ठा साहब के लिए है, साहब का जो प्यार दादा के लिए था, वो तो इन्होंने खराब किया है अपनी एक्टिंग बाजी के लिए। आप मानते कि जो पार्टी पार्टी में जो फूट हुई है उसके पीछे, उसके लिए जिम्मेदार जितेंद्र आवाड़ साहब? एक हद तक वो भी है, कान भरने का जो उनका जो सिस्टम है ना, वो सीध ने पूरे पार्टी को खराब किया है। तो मुख्य तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितेंद्र आवाड और जयंत पाटिल पर काफी ज्यादा गुस्सा जो है वो इन कार्यकर्ताओं का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर में अजीत पवार भी यहाँ पर जो है वो उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जी देखिए, अभी जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अजीत पवार जो है जहां पर कार्यक्रम यहां बैंड्रा में होने जा रहा है वहां पर उनका कॉन्वॉय पहुंच चुका है, और पीछे के गेट से वे कार्यक्रम यानी सभा का जो स्थल है वहां पर पहुंचने वाले हैं। और हमारे साथ इस वक्त, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि यहां पर जो अजीत पवार के समर्थक है वो सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं और इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। दरअसल फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि अब तक केवल 5 ही विधायक यहाँ पर जो है वो पहुंचे थे, लेकिन अजीत पवार के साथ ही बहुत सारे विधायक जो है यहाँ पर पहुंचेंगे इस तरह की जानकारी दी जा रही थी। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट हमें जो पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि अजीत पवार का कॉन्वॉय यहाँ पर पहुंच गया है, और जो पीछे का गेट है वहां से अजीत पवार जो है कुछ देर में जो स्टेज बनाया गया है वहां पर नजर आएंगे। तो हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कहाँ से आए, क्या नाम है? बारामती, रविराज तावरे, बारामती से। अच्छा ये बताइए कि अजीत पवार साहब ने यहाँ पर सभा मीटिंग बुलाई है, शरद पवार साहब ने वहाँ पर मीटिंग बुलाई है, आप सब लोग पवार साहब को तो मानते हैं लेकिन वहाँ कोई जा नहीं रहा है? साहब हमारे आराध्य दैवत है, हमारे गुरुस्थान है, हमारे हृदय में है, लेकिन आज के जमाने, आज के इतिहास, आज के टाइम में महाराष्ट्र को अजीत दादा की जरूरत है। चांद्या से बांदा तक अजीत दादा का जो महाराष्ट्र की नस नस मालूम है, महाराष्ट्र के हर प्रश्न मालूम है, महाराष्ट्र किसान प्रश्न, सामाजिक प्रश्न, सहकार प्रश्न, सांस्कृतिक प्रश्न, सब पर एक ही जवाब है, अजीत पवार। लेकिन कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि चाचा भतीजे में जितेंद्र आवाड और जयंत पाटिल की वजह से दरार आ गई, आप मानते हैं? वो क्या कहना है आपका? नहीं, मैं महाराष्ट्र रिसोड वाशिम से आया हूँ, राष्ट्रवादी का प्रेसिडेंट भी था। अजीत पवार के ऊपर अन्याय हो रहा था, मैं दादा के करीब हूँ, दादा को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। जितेंद्र आवाड और जयंत पाटिल मेरे सामने की बात है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो चुनाव हो रहे थे, कुछ नियुक्तियाँ हो रहे थे, जब जयंत पाटिल की वजह से ही दादा दूर निकले, ये मेरा आरोप है। क्योंकि जयंत पाटिल, दादा जो बोलते थे वो जयंत पाटिल से अलग करते थे, ये मेरे सामने हमारे वासिम डिस्ट्रिक्ट में जयंत देख सकते हैं कि यहाँ पर घोषणाबाजी देखने को मिल रही है, और सभी को इंतजार है अजीत पवार की उस झलक का जहाँ पर
जो कितनी विधायकों की संख्या आज वो अपने साथ दिखा सकते हैं वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा जी। निश्चित तौर पर यहाँ पर देखिए अजीत पवार यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मुख्य तौर पर अब विधायक जो है उनकी भी संख्या यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे कैमरा पर्सन आसिफ आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है एनसीपी का जो ध्वज है वो यहाँ पर फहराया जा रहा है और उसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम है उसकी यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। यहाँ पर बड़ी संख्या में ये बताया जा रहा है कि विधायक पहुंचेंगे, वही देखना है कि कितने विधायक इस वक्त अजीत पवार के साथ मंच पर नजर आते हैं, क्योंकि दावा तो 42 विधायकों का कल से किया जा रहा है कि 42 विधायकों ने अजीत पवार के साथ जो है वो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और राज्यपाल को जो पत्र सौंपा गया था। जी देखिए इस वक्त तो मुख्य तौर पर जो इसके पहले अजीत पवार के पहले जो यहाँ पर विधायक पहुँचे हुए थे वो कुछ ऐसे भी विधायक थे जिन्होंने शपथ नहीं ली है और अब एक एक कर विधायकों के यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी यहाँ पर इस वक्त राष्ट्रगान हो रहा है। इस वक्त अजीत पवार यहाँ पर पहुँच चुके हैं, प्रफुल्ल पटेल थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो पार्टी का ध्वज है वो फहराया गया और अब विधिवत तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अजीत पवार की तरफ महाराष्ट्र में इस तरह से देखा जाता है कि जो एनसीपी के जो यंग कार्यकर्ता है वो अजीत पवार को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उसी तरह की तस्वीर जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो क्राउड है वो यंग लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, युवा कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनका कहना है कि एनसीपी के फ्यूचर की अगर बात की जाए तो उसको लीड करने का काम अजीत पवार कर सकते हैं, उनको महाराष्ट्र में अच्छी समझ है, विकास डेवलपमेंट के काम जो है वो अजीत पवार बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं और इसीलिए उनके सपोर्ट में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है इस एमएनटी कॉलेज में दिखाई दे रहे। दरअसल इस इलाके की बात की जाए तो करीबन 2500 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर करीबन 3500-4000 के करीब लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसीलिए ये जो पूरा सभागार है ये छोटा दिखाई दे रहा है, बहुत भीड़ यहाँ पर हो गई है और कुछ देर बाद ही अब अजीत पवार जो है यहाँ पर मंच पर नजर आएंगे। जी देखिए निश्चित तौर पर जो एनसीपी यानी खास तौर से अजीत पवार के लोगों का दावा है कि ये तस्वीर जो है शरद पवार की बैठक से पहले ही साफ हो जाएगी। ये देरी बैठक में इसलिए हुई क्योंकि सुबह से ही अजीत पवार से मिलने के लिए उनके घर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो देखने को मिला और सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद अजीत पवार जो है अपने घर से निकलने में उन्हें देरी हो गई और इसीलिए इस बैठक को शुरू होने में देरी हुई है। लेकिन जो अभी हमें जानकारी मिल रही है कि जो विधायक है अजीत पवार के साथ यहाँ पर पहुँचने वाले थे उनका आना शुरू हो गया है, उन्हें पीछे के गेट से सीधे स्टेज पर जो है वो ले जाया जा रहा है, क्योंकि जिस जगह पर हम लोग इस वक्त श्रीन खड़े हुए हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई है, लिहाजा जो विधायक है उनको पीछे के गेट से अंदर लाया जा रहा है और अभी कुछ देर बाद जहाँ पर सबकी निगाहें टिकी है वो स्टेज पर किस तरह की तस्वीर आने वाले दिनों में आने वाले देर में देखने मिलेगी वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मेरे कैमरा पर्सन आसिफ आपको स्टेज की तस्वीर यहाँ से दिखाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टेज पर क्या 40 से ज़्यादा विधायक दिखाई देते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सभी की निगाहें श्रीन इस बात की ओर टिकी है कि जो दावा करके सरकार बनाई और जो बताया गया कि 2/3 से ज़्यादा विधायक अजीत पवार के साथ है, तो क्या वाकई में 2/3 से ज़्यादा विधायक उनके साथ है या फिर शरद पवार के खेमे में ज़्यादा संख्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 2/3 से ज़्यादा विधायक नहीं रहे तो दल बदल कानून जो है यहाँ पर निश्चित तौर पर लागू होगा और कई विधायक जो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं।